कुमार मैं YouTube चैनल फार्मा बुलेट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा बुलेट में। आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एक न्यू टॉपिक लेकर के, जिसके हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, उसमें जो हमारा टॉपिक था सस्पेंशन, वो छूट गया था, उस बात पर करने वाले हैं आज, जानेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन की। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं, आप कुछ लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो क्या कुछ सस्पेंशन होते हैं, इमल्शन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, रिजल्ट वगैरह होते हैं, तो आज उसी में से हम बात करने वाले हैं, सस्पेंशन की बात करेंगे। तो सस्पेंशन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो सस्पेंशन होता है, क्या होता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, मतलब क्या लिक्विड फॉर्म में डोसेज फॉर्म होता है, जो क्या होता है, जो हमारा बायोफिजिक होता है, मतलब जिसके अंदर हमारे दो फेज होगी, जो उसके अंदर उसमें क्या कि जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म होगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा बायोफिजिक होगा, मतलब बायोफिजिक डोसेज फॉर्म क्या है, जिसके अंदर दो फेज होते हैं, उसको हम बायोफिजिक कहते हैं। इसने कहा था, जो हमारा एक इसमें जो फेज होगा, हमारा एक फेज इसमें लिक्विड होगा हमारा, और दूसरा फेज हमारा इसमें क्या होगा सॉलिड होगा। तो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट वन देखते हैं, जो हमारा लिक्विड फेज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप डिस्पर्जन मीडियम कहते हो, या फिर आप उसको एक्सटर्नल फेज कहते हो, डिस्पर्जन मीडियम बोलोगे या उसको आप एक्सटर्नल फेज बोलोगे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लिक्विड मीडियम होती है। फिर बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट होता है, इसलिए जो हमारा सॉलिड मीडियम होती है, सॉलिड मीडियम के अंदर हमारा क्या होता है, उसको आप डिस्पर्जन फेज कहते हो या उसको आप इंटरनल फेज कहोगे, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सॉलिड फेज होगा। फिर नेक्स्ट वन कहते हैं, जो हमारा सस्पेंशन होते हैं, उसके अंदर जो हमारा पार्टिकल साइज होना चाहिए कितना होना चाहिए, वो लेस देन 1 माइक्रोन से नीचे होना चाहिए, लेस देन 1 माइक्रोन हो जाए होना चाहिए, तभी उसको आप क्या होगा सस्पेंशन बोलोगे। अगर जो हमारा सस्पेंशन है, उसके अंदर हमारा जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 माइक्रोन है, तो उसको क्या कहोगे आप, उसको आप कोलाइडर सस्पेंशन बोलोगे, क्या बोलोगे उसको आप, उसको कोलाइडर सस्पेंशन बोलोगे। और अगर हमारा जो पार्टिकल साइज सस्पेंशन के अंदर वो मोर देन 1 माइक्रोन है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप पोर सस्पेंशन बोलोगे। तो फ्रेंड, ये हमारे सस्पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो टर्म आ गई हमारे सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंडेड का मतलब मीनिंग डाल देते हैं क्या है, जैसे कि हमारा जो टर्म है एक्सपेंड सब सस्पेंशन, वो ही डिफाइन कर दिया कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड होंगे, मतलब एक तैरते हुए होंगे हमारे इसमें लिक्विड मीडियम में फ्लोट करते हुए, उनको हम सस्पेंडेड कहते हैं। तो उसी को कहते हैं सस्पेंडेड आते हैं, तो क्या है सस्पेंड कर रहे हैं हमारे फिर। तो क्या होता है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोन दैट इज कॉल्ड कोर्स सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्या होता है, ये हेटेरोजीनियस फेज होता है। क्या हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो टर्म होती है हमारे, हेटेरोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो हमारे हेटेरोजीनियस होते हैं, उस टर्म का मीनिंग होता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या है, कहीं पे डिफरेंट है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो उस कंडीशन का क्या होगा, उसको क्या होगा हेटेरोजीनियस होगा। अगर कंडीशन हमारे पूरा फेज है, हमारे पास लिक्विड फेज है, अगर लिक्विड फेज में हमारे जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह बराबर है, तो उसको आप कहोगे होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हेटेरोजीनियस है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, वेरी करती है अलग अलग जगह। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे क्या करें, अगर आप कोई बीकर लोगे, बीकर में आप पानी लोगे, आप अगर उसमें आप क्या हो, उसमें आप थोड़ा सी मिट्टी घोल दो, तो क्या होगा एक सस्पेंशन बन जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट का, अगर आप क्या हो, एक चौपड़ हो, आप चौपड़ हो पानी में घोल दो, तो वहाँ से आपको क्या है एक सस्पेंशन मिल जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मिल्क, जो दूध होता है आप पीते हैं, वो क्या होता है, वो भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारे सस्पेंशन का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सस्पेंशन, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फ्लोकुलेटेड होता है, डी फ्लोकुलेटेड होता है। तो जो फ्लैक्टेड डी फ्लोकुलेटेड होगा फ्रेंड्स, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इनकी, क्या दो टाइप के होते हैं हमारे, फ्लोकुलेटेड और डी फ्लोकुलेटेड होता है। फिर बात करते हैं कुछ एक बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड के अनुसार हम पढ़ रहे हैं इसको, तो उसके अनुसार जो हमारा सस्पेंशन होगा उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे उनके बारे में देखते हैं। तो फिर उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या है, जो पीसीएम होती है हमारी, पीसीएम आती है पैरासिटामोल होती है, वो उस पर जो सस्पेंशन होता है, मतलब जो उसकी यहाँ लिक्विड फॉर्म आती है, वो हमेशा सस्पेंशन फॉर्म ही मिलेगी आपको। ये क्या है, बात याद रखने वाली है कि जो पीसीएम का हमारे पास सोल्यूशन हो गया, लिक्विड डोसेज फॉर्म होगी, जो पीसीएम क्या होगी, वो हमेशा लिक्विड डोसेज फॉर्म में ही मिलेगी आपको, तो क्या होगी, वो हमेशा सस्पेंशन फॉर्म में ही होगी, कभी सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होगी वो, तो क्या होगी, वो हमेशा पीसीएम की सस्पेंशन फॉर्म में ही होगी। फिर बात करते हैं ड्राई स्लग के बारे में, बात करते हैं सिरप, जो हमारे सिरप होती है, ड्राई स्लग होते हैं, उनको घोल के बनाते हैं, तो क्या वो भी सस्पेंशन की फॉर्म में ही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप कोई भी लिक्विड की बोतल देखते हो, तो उसमें लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, मतलब कोई यूज करने से पहले चित्र उसको हिला दे, क्यों लिखा होता है, इसीलिए लिखा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे
क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसीलिए ताकि वो पूरी हमारे जो लिक्विड फॉर्म में उसमें क्या पूरी तरह से वो होमोजीनियसली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, इसीलिए ये चीज़ पे लिखी गई होती है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात क्लास सस्पेंशन के बारे में बात की, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोपेलेटेड डिफ्लोरेशन क्या होता है उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोपेलेटेड डिफ्लोरेशन के साथ। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कमेंट तो बनता है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।